मुंगेर के तारपुर अनुमंडल अस्पताल में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही देखने को मिली है। कोरोना जांच में लगे लैब टेक्नीशियन ने न तो पीपीई किट पहना उचित समझा और न ही कोरोना की सही तरीके से जांच की जा रही। इतना ही नहीं, जांच के दौरान एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद उसे जानकारी नहीं दी गई और उसे नेगेटिव बताकर घर भी भेज दिया गया, जिससे औरों के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। मामला संज्ञान में आने के बाद जब अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर बी एन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने इसकी छानबीन की और लैब टेक्नीशियन से हुई लापरवाही की पुष्टि की। हालांकि इस गंभीर लापरवाही के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ पॉजिटिव मरीज का किट को कूड़ेदान में फेंक कर उन्हें नेगेटिव बता दिया, जो पॉजिटिव मरीज घर गए थे, क्या मामला है ये? ये सर पता चला हमें कि एक पॉजिटिव केस है, जिसको कि मेरा लैब टेक्नीशियन वो नेगेटिव बता दिया गया है। ठीक है, कूड़ेदान में ही जो किट से जांच किया जाता है उसको कूड़ेदान में ही डालते हैं, तो वो वही। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नीतीश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया है, जिसका खगड़िया में निजी कोचिंग स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर ने संयुक्त रूप से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश सहित पुलिस विरोधी नारे भी लगाए। आपको बता दें कि उन्होंने सरकार से सभी कोचिंग संस्थानों और निजी स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर वापस से खोलने की अपील की है। हम दोबारा शांत करने का कोशिश किया है।